हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन मसाला इन होम, वो भी बिल्कुल दावे स्टाइल। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने बाजार से 1 केजी चिकन लेके आ गए हूँ, और पहले इसे खूब अच्छी तरीके से पहले इसे साफ कर लेंगे। इसे कम से कम 2 से 3 पानी से धोएं, ताकि इसमें की सारी गंदगी जो हो, खून ये सब जितना है वो सब अलग हो जाए। बिल्कुल इस तरीके से हमने 1-2 बार पहले भी धो लिया था, अब 1 बार लास्ट धो रहा हूँ। जब ये धो जाए तो अब इसमें 1 कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें हम लगभग 200 ग्राम तेल डालेंगे। 200 ग्राम तेल के बाद उसमें हम तेज़पत्ता और भी कुछ कुछ मसाले जैसे जीरा और साथ साथ 1-2 सूखी मिर्च और साथ साथ पचफोरन। आप पचफोरन को इसकी भी कर सकते हैं और थोड़ा और ज़ीरा। अब इसे एक बार अच्छे तरीके से चला दें। अब हम इसमें अगर 1 केजी चिकन है तो 1/2 केजी प्याज डालें। मैंने भी वही किया है, 1/2 केजी प्याज डाला है। धीरे धीरे करके सारा प्याज डाल लें। अब इसमें अदरक भी कुछ के डाल सकते हैं और लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अदरक लहसुन ये सबका अलग से भी पेस्ट तैयार किया है, इसलिए मैंने बस इसमें अदरक ही डाला है अभी। अब इसे अच्छे तरीके से एक बार चला लें, और याद रहे हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूननी है। बिल्कुल इस तरीके से धीरे धीरे, कभी कभी बीच बीच में चलाते रहें ताकि प्याज जले ना। जब ये जब तक होती है तब तक मैं मसाले की तैयारी करता है। ये हमारे अदरक लहसुन और जीरे का एक पेस्ट है जो हमने घर में ही बनाए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 2 छोटी चम्मच हल्दी, 2 से 3 चम्मच 2 छोटी चम्मच मिर्च, और अगर आप बड़ी चम्मच है तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, और 2 से 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि किसी किसी को ज़्यादा पसंद होती है तो किसी किसी को कम, इसलिए नमक अपने स्वाद अनुसार ही दें। अब इस सारे मसाले को हुआ मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसे भी खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब ये हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है तब तक एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा प्याज हुआ है कि नहीं। चलिए तो पहले एक बार प्याज चेक कर लेते हैं। अब मेरा प्याज भी होना हो गया है। अब हम इसमें मसाले को ऐड करेंगे। सारे मसाले एक साथ डाल दें, अब इसे खूब अच्छी तरीके से चला लें, और याद रहे मसाले को हमें खूब अच्छी तरीके से पकाना है, क्योंकि मसाला जितना अच्छे तरीके से पकेगा उतनी अच्छी और दोगुनी टेस्ट आएगी इसकी। बिल्कुल इस तरीके से चलाते हुए पकाएं। इसे हमें तब तक पकानी है जब तक ये अच्छी तरीके से तेल ना छोड़ने लग जाए। इसमें हम कुछ कुछ देर पे चलाते ही रहनी है ताकि मसाला चिपके ना, खूब अच्छे तरीके से हो गए। बिल्कुल इस तरीके से ही अब हमारा मसाला तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी और 2 से 3 मिनट और भूनेंगे इसको खूब अच्छे तरीके से। देखिए ये तो और अभी अब धीरे धीरे तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से इसे चला लेंगे। जब आप अभी से ही दिखने में लग रही तो सोचिए जब असली टेस्ट इसमें मज़ा आएगा तो क्या आएगा। अब हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। हम चिकन को डाल रहे हैं हाथ से ही छान के ही देनी है, क्योंकि अगर धोए हैं तो उसमें थोड़ा मोड़ा पानी कहाँ से आता है। तो पहले इसे हम अच्छे तरीके से छान लेंगे, फिर इसमें डालेंगे। सारा चिकन ऐड करने के बाद हम इसे खूब अच्छे तरीके से चला लेंगे। हमें अच्छे तरीके से चलानी है ताकि सारे मसाले चिकन में खूब अच्छी तरीके से लग जाएं।
इसमें थोड़ा थोड़ा देर देर पे चलाते ही रहें, और थोड़ा देर के लिए इसे हम ढक के लिए भी छोड़ देंगे, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। पहले तो इसे खूब अच्छी तरीके से एक दो बार चला ले, फिर उसके बाद अब हम इसे ढक के छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। याद रहे हमें गैस का फ्लेम लो ही रखनी है। अब हम इसे हटा के देखते हैं और एक बार चलाते हैं, देखिए क्या लाजवाब अभी से ही दिखने लग गई। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ये तो शुरुआत ही है। आगे आगे देखिए अभी होता है क्या, देखिए है ना लाजवाब। एक बार लेकिन ज़रूर आप घर में ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, आई होप आपको पसंद ही आएगी। एक दो बार और ढक के चलाएं और इसमें थोड़ा सा पानी डालें। अगर आप पानी मतलब कि ग्रेवी पसंद ना करते हैं तो पानी नहीं भी डालें तो भी चलेगा, लेकिन मुझे तो ग्रेवी पसंद है इसलिए मैंने इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाला है और साथ साथ इसमें चिकन मसाले को ऐड किया है। अब हम इसे भी कुछ देर के लिए ढक के छोड़ देंगे, लेकिन पहले इसे एक बार अच्छे तरीके से चला लें। अब कुछ देर ढक के इसे छोड़ दें, लगभग 10 मिनट, 10 मिनट बाद इसे हटा के देखें। देखिए ये कितनी लाजवाब दिखने में लग रही है, इसे एक बार चला ले। और अगर आप धनिया पत्ता खाते हैं तो इसमें ऊपर से गार्निश के लिए डालें, और इसकी टेस्ट भी तो बहुत ही अच्छी आती है। अगर धनिया पत्ता का टेस्ट आपको पसंद नहीं है तो इसकी जगह आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। आपको भी इसे अच्छे तरीके से फैलाल चले चला लें पूरी अच्छी तरीके से। अब हमारा चिकन मसाला बन के रेडी है, अब आप इसे परोस सकते हैं, खा सकते हैं। तो मैंने भी खुद के लिए ही परोसा है, चलिए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वाह, देखने में तो लाजवाब है, तो खाने में सोचिए कितनी अच्छी और टेस्ट होगी इसकी। तो चलिए मैं इसे ट्राई करता हूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।